नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। जापान ओपन बैडमिंटन में भारत का शानदार प्रदर्शन। किदांबी श्रीकांत, अजय जयराम और एचएस प्रणॉय पहले दौर के मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल पहुंचे। पारूपल्ली कश्यप और साई प्रणीत टूर्नामेंट से बाहर। किदांबी श्रीकांत, अजय जयराम और एचएस प्रणॉय पहले दौर के मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कानपुर में टीम इंडिया खेल रही है अपना 500वां टेस्ट। न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का लिया फैसला। मैच में रोहित शर्मा को मिला मौका, जबकि ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन टीम से बाहर। टीम इंडिया के 500वें टेस्ट मैच पर ग्रीन पार्क में एक साथ दिखे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान। राज्यपाल राम नाइक ने किया सम्मानित। आयोजन में नहीं दिखे पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी और गुणप्पा विश्वनाथ। पूर्व चीफ सिलेक्टर संदीप पाटिल का बड़ा खुलासा। कहा, संन्यास का फैसला सचिन तेंदुलकर ने अपने दिल से नहीं बल्कि इसके लिए उन्हें मजबूर किया गया था। पाटिल के कार्यकाल में ही सचिन ने टेस्ट क्रिकेट से लिया था संन्यास। विजडन पत्रिका की ओर से ऑल टाइम इंडियन टेस्ट टीम का ऐलान। महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया कप्तान। विराट कोहली और सौरभ गांगुली को टीम में नहीं मिली जगह। और भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान ऋतु रानी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से लिया संन्यास। कहा, रियो ओलंपिक में नहीं भेजने से थी आहत। अर्जुन अवार्ड के लिए तय था मेरा नाम, लेकिन मेरे साथ किया गया पक्षपात। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।